चाहूंगी मासूम समझ करना तो तुम्हें रहा नहीं जी बिल्कुल सर बहुत की घटना हाँ मतलब हरियाणा को ऐसे बुलंद आवाज कभी दोबारा से मिल नहीं सकती। आपको किस टाइम पता चला सर ऐसे ऐसे हरियाणा ने अपना ही रखो? मेरा सुबह फोन आया था मेरे पास, मेरा एक दोस्त है हिसार में काली खरकड़ी सारे राज्य और इकट्ठे बैठे हर दिन, तो उस भाई का फोन आया था, फिर मेरा एक दोस्त है गोपी उसने कन्फर्म करा के भाई, तो मेरा एक बार तो यकीन नहीं हुआ कि ऐसा मैंने कह मैं सोन दे यार क्यों मजाक कर रहे बस कर सूता ठाओ थे मैंने, तो फिर उसने बताया कि विकास सिंह रा का फोन आया यार पक्की बात है यार, जब फिर पैरों तड़ी पड़ती जिसके सर जो भी सुन रहा था कि यकीन नहीं कर पा रहे लोग। हाँ 101 पर मेरे तो लगा ही नहीं क्यों, कई बार मजाक करते हैं आपस में। हाँ आपस में करते हैं, तो हरियाणा के लिए बहुत बड़ा झटका, बहुत बड़ा झटका के लिए बिल्कुल ऐसे बुलंद आवाज दोबारा नहीं। रविंदर सर एक मिनट क्या कहना चाहोगे? रविंदर सर मैं क्या कह सकता हूँ जी, मैं अब तो कोई शब्द ही नहीं है हमारे पास, इंडस्ट्री का मतलब एक वहाँ सबसे चेता कलाकार था, सबसे साफ दिल का कलाकार था, और मैं यही कहूँगा आपको कि बस उसके लिए इसके बच्चों के लिए दुआ करेंगे आप सारे मिलके, और उनके बच्चों की ठीक परवरिश हो, हरियाणा में इंडस्ट्री को रिवाइव करने में दोबारा स्थापित करने में राजू पंजाबी जी का बहुत बड़ा योगदान है, और ऐसा कोई कलाकार नहीं हरियाणा में जिसने राजू पंजाबी जी के साथ काम करके अपना करियर ऊंचा ना किया, उनमें से एक मैं हूँ। बिंदर से बिंदर धनौदा बनाने वाले मेरे को राजू पंजाबी थे, आज हमें तेरे लाड लड़ता हूँ जब उन्होंने गीत गाया था तभी से मेरा करियर उठा था, और ऐसे अनेकों ऐसे कलाकार हैं जिन्होंने राजू पंजाबी जी का सहारा लेके अपना करियर चमकाया और स्टारडम हासिल किया, आज वो शमशान में है मिट्टी बन गए हैं, तो मैं बस भाभी जी के लिए और बच्चों के लिए दुआ करूंगा कि उनकी ठीक परवरिश हो बच्चों की। आपको किस टाइम पता चला? मेरे को 10 बजे पता चला, और अभी 3 बजे मैं पहुंच गया गुड़गांव से, जितना उसका जल्दी से जल्दी आखिरी दर्शन के लिए, और मेरा एक वो कहते हैं जैसे दुर्भाग्य है कि मैं कल जिंदल में था रात के 8 बजे और राजू जी एडमिट थे, मेरे को पता ना चला क्योंकि वो ठीक होकर घर चले गए थे, मेरे को एहसास नहीं था, वहाँ से कोई मैसेज नहीं आया तो मैं मिल नहीं पाया उनको आखिरी टाइम तक। सदा रहेगा मलाल जी ज़्यादा अच्छा, तो ऐसा मतलब भाई सब में पता तो चल ही जाता है ऐसे खबर तो मैं मतलब आपको पहले पता था कि बीमार चल रहे हैं राजू पंजाबी सर? नहीं थोड़ा सा ये था कि हाँ थोड़ी मतलब प्रॉब्लम हो रखी है भाई, जैसे एक नॉर्मल कन्वर्सेशन होती है तो उतना ही पता था, बाकी ये नहीं पता था कि भाई इतना बड़ा हादसा हो जाएगा। मतलब आप लेट पहुँची यहाँ पे, तो लेट पता चला आपको? हाँ मैं बस अभी थोड़ी देर पहले पहुँची थी। तो क्या कहना चाहोगी मतलब इतना बड़ा झटका हरियाणा इंडस्ट्री को? देखिए अभी कहने से कुछ हो नहीं सकता, तो मतलब क्या ही कहेंगे, मतलब ये नहीं कह सकते भाई, वो आवाज़ तो अमर थी और है और रहेगी। तो आज सिंगर राजू पंजाबी के पैतृक गांव में पहुंचे हैं और पैतृक गांव में उनका अंतिम संस्कार हुआ है।